लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बहलोलपुर पुल के पास चालक को झपकी आने से हुआ बड़ा हादसा। दो लोगों की मौके पर ही मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी यूपी से, ये चार लोग दिल्ली से लखनऊ के लिए चले थे। अभी बांगरमऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत बहलोलपुर पुल के पास पहुंचे ही थे कि अचानक चालक को नींद आने से गाड़ी डिवाइडर में टकरा गई, जिसमें मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल। मृतक आयुष पुत्र विश्वदीप श्रीवास्तव उम्र 26 वर्ष निवासी दिलीप खेड़ा नव दुर्गा ट्रेडर्स आलमबाग तक लखनऊ। गौरव पुत्र रवि कुमार वर्मा उम्र 27 वर्ष श्रीनगर कॉलोनी मोहिबुल्लापुर लखनऊ घायल। पूजा मिश्रा पुत्र अरुण मिश्रा उम्र 24 वर्ष विकल्प खंड गोम। कहाँ से जा रहे थे? दिल्ली से। कैसे हादसा हुआ, कहाँ से थे आप, किस गाड़ी से थे? दोनों टियागो से। कहाँ पे हुआ कुछ आइडिया नहीं? कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, कितने लोग थे गाड़ी में? चार लोग। चार लोग में क्या हुआ? चार लोग बैठे थे। चार लोग बैठे थे। सीएससी पर आप तैनात हैं? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ उन्नाव में आईजी आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी। डॉक्टर साहब, क्या मामला था सुबह जो आज? सुबह मेरे पास दो एम्बुलेंस, दो लाई थी, चार लोगों को लाई थी, दो उसमें मृतक अवस्था में थे और दो घायल अवस्था में थे। मृतकों का क्या नाम था डॉक्टर? मृतकों के नाम थे मिस्टर आयुष और मिस्टर गौरव। और घायलों के? घायल एक लड़की पूजा थी, मिस पूजा थी और सुधीर शुक्ला थे। इनको घायलों को यहाँ उपचार किया गया, जो प्राथमिक उपचार होता है उसके बाद लखनऊ के लिए ट्रामा सेंटर रिफर कर दिया गया 108 द्वारा। कितने लोग मौत है? कितने लोगों की? दो लोगों की मौत हुई। और उनको पोस्टमार्टम के लिए? वो तो पुलिस को हमने अपने यहाँ जमे भिजवा दिया है, इतला कर दिया है, पुलिस अपना आगे कार्रवाई करेगी। थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।